खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से है, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। वहीं किसानों का कहना है कि लैंप्स में केवल यूरिया खाद ही मिला है, जबकि डीएपी खाद फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि किसानों को अब तक नहीं मिल सका है, जिसके कारण किसान प्राइवेट दुकानों की ओर रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मजबूरन महंगे दामों में खाद की खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर सहकारी बैंक के सीईओ का कहना है कि विभाग में जितना भी खाद का भंडार हुआ था, उनमें से सभी खाद उन्होंने किसानों को बांट दिया है, लेकिन लगातार बस्तर में खाद की कमी बनी है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 17,300 मैट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से 15,000 मैट्रिक टन का वितरण किसानों को कर दिया है। देखिए, इस साल जो है शुरू से ही खाद की आपूर्ति होते जा रही है। हमने एडवांस लिफ्टिंग भी किया है। इस साल किसानों को हम शुरू से ही ऋण में अप्रैल से ही हम खाद बीज दे रहे हैं। केवल यूरिया मिला है और जो डीएपी का मांग अधिक है उसको जो है शासन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। किसान परेशान हैं, सब दुकान मजबूर होकर किसान को दुकान से लेना पड़ रहा है अधिक कीमत पर। हाँ, इस साल बहुत कमी है भैया। बस्तर तो ऐसा खाद के लिए परेशान है किसान कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर किसान खाद के लिए भटक रहा है।